नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां पर सवाल अब तक समर सिंह या फिर सारनाथ पुलिस पर खड़े हो रहे थे, लेकिन अब इस मामले में सवाल आकांक्षा की माँ मधु दुबे पर भी उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आकांक्षा की माँ मधु दुबे ने समर सिंह और सारनाथ पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन आरोपों को सच साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है। यूं कहें कि अभी तक वो सबूत मीडिया के सामने नहीं दिखा पाई हैं और इसीलिए अब आकांक्षा दुबे की मां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी चीज का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां एक ओर समर सिंह के गुनेगार होने का सबूत नहीं मिला है, तो वहीं उसके बेकसूर होने का भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। आकांक्षा दुबे का आखिरी 8 सेकंड का वीडियो एक हल्का सा इशारा इस ओर कर रहा है कि आकांक्षा ने ये जो कदम उठाया उसके लिए समर सिंह ही जिम्मेदार है। लेकिन यहां पर इस मामले में समर सिंह को गुनेगार नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हाल ही में जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान के मामले में अगर 10 साल बाद सूरज पंचोली को ये कहकर बरी कर दिया जाता है कि इस मामले में सबूतों की कमी है और इसीलिए सूरज पंचोली को बरी कर दिया जाता है, तो आकांक्षा दुबे के केस में तो सिर्फ एक वीडियो ही है। एक वीडियो के आधार पर आखिरकार कैसे समर सिंह को गुनेगार बताया जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें जिया खान की तो आपको बता दें कि जिया खान के मामले में एक अच्छी खासी चार्जशीट थी जिसमें 6 पन्नों का आखिरी नोट जिया खान छोड़कर गई थी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे सूरज पंचोली पर कई आरोप लगाए और ये भी कहा कि सूरज पंचोली की वजह से ही अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन इतने बड़े नोट और साथ ही दोनों के फोन से मिले मैसेजेस से भी यह साफ हो रहा था कि जिया खान डिप्रेशन में थी, उन्होंने अपनी जो जान है वो सूरज पंचोली की वजह से ही थी। लेकिन आज जब जब कल कोर्ट ने 10 साल बाद इस मामले में ये हवाला देते हुए सूरज पंचोली को बरी कर दिया कि उनके खिलाफ इस मामले में सबूत वाजिब नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है और इतने सबूत नहीं है कि उन्हें गुनेगार साबित किया जा सके, इसीलिए इस मामले में सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया। अब ऐसे में आखिरकार फिर समर सिंह को कैसे आरोपी ठहराया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि वो एक हाई प्रोफाइल केस था। मुंबई की स्पेशल अदालत ने यह फैसला सुनाया और अगर यहां पर बात करें इस मामले में तो आपको बता दें कि ये तो अभी वाराणसी के ACJM अदालत में ही केस अभी पहुंचा है। इस मामले में जहां एक ओर समर सिंह ने जमानत याचिका दाखिल कर दी है, तो अब इसे लेकर जो समर सिंह के वकील हैं, माफ कीजिएगा, आकांक्षा दुबे के वकील हैं यानी कि शशांक शेखर त्रिपाठी, उनका बयान सामने आया है। कई बातें इसमें उन्होंने रखी है जिसमें साफ तौर पर सबसे पहली बात कि समर सिंह की जो जमानत याचिका है उसकी एक कॉपी अब शशांक शेखर त्रिपाठी को दी जाए, ताकि जब पेशी हो, सुनवाई हो, तो इस दौरान इस जमानत याचिका को खारिज करने के लिए वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सके। इसके साथ यहां पर आकांक्षा दुबे की मां ने जो पिटीशन दी है उसे लेकर भी अब मधु दुबे का जो बयान है वो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो आरोप लगाए गए हैं परिवार की ओर से उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पहले भी ये एक सवाल बार बार उठ रहा था कि समर सिंह को आखिरकार क्यों सजा नहीं मिल रही है, तो इस मामले में आपको बता दूं कि सिर्फ आकांक्षा का एक वीडियो ही सामने आया है जिसमें समर सिंह को जिम्मेदार वो बताती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस वीडियो को लेकर साफ तौर पर समर के वकील आशीष सिंह का यही कहना है कि वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है और ये वीडियो काफी नहीं है इस केस में समर सिंह को दोषी ठहराने के लिए। और जैसा कि अभी कल ही यहां पर जिया खान के मामले में 10 साल के बाद मुंबई के CBI के स्पेशल अदालत ने सबूतों की कमी होने का हवाला देते हुए अगर सूरज पंचोली को बरी कर दिया है, तो ऐसे में समर सिंह के खिलाफ तो सिर्फ एक वीडियो ही है, क्योंकि उसमें एक अच्छी खासी चार्जशीट थी जिसमें 6 पन्नों के नोट में जिया ने काफी कुछ कहा, लेकिन इस नोट के होते हुए भी अगर सूरज पंचोली के खिलाफ सबूत
पूरे नहीं हुए और इसीलिए जब बरी कर दिया गया तो समर सिंह के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिनमें एक्ट्रेसेस ने इस तरह से कदम उठाया, चाहे वैशाली टक्कर हो, तुनीशा शर्मा हो, जिया खान हो या फिर प्रत्युषा बनर्जी। इन तमाम मामलों में हमने देखा कि जो पार्टनर्स थे उन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी भी केस में जो पार्टनर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीतता गया जमानत मिलती गई और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे। लेकिन यहाँ पर जब जिया खान के केस की सुनवाई की खबर सामने आई तो हर किसी को उम्मीद थी कि अगर जिया खान को इंसाफ मिला तो शायद एक बार फिर से ये सभी केस सुर्खियों में लौट आएंगे और हर परिवार ये उम्मीद लगाने लगेगा कि अगर 10 साल बाद जिया खान को इंसाफ मिल गया है तो शायद उनकी लाडली को भी इंसाफ मिल जाए। लेकिन जिया खान के मामले में जो फैसला कोर्ट ने दिया उसके बाद कहीं ना कहीं अब इन तमाम परिवारों की, इन तमाम एक्ट्रेसेस के फैंस की उम्मीदें टूट चुकी है और अब कहीं ना कहीं इस फैसले का असर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस में भी पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये केस भी काफी ज्यादा चर्चा में है। भोजपुरी इंडस्ट्री इस वक्त इस मामले की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चाहे अक्षरा सिंह हो, श्वेता मिश्रा हो, पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव, ये तमाम जो चेहरे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ब्रांड के तौर पर जाने जाते हैं। निरहुआ ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी थी लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में अपना पलड़ा झाड़ते हुए ही दिखाई दिया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जो ये नई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं ऐसे में क्या आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सारनाथ पुलिस को लेकर भी जो मांग पत्र कोर्ट में सौंपा गया है उसके बाद एसीजीएम अदालत ने सारनाथ पुलिस को आदेश दिया है कि मामले की जांच नियमित रूप से की जाए, जो भी कानून है, जो जांच प्रक्रिया है उसके आधार पर ही छानबीन की जाए और इसीलिए सारनाथ पुलिस भी सबूतों की तलाश में जुट चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अब वकील ने सीधे सीधे ये बयान दे दिया है कि अब आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे और साथ ही ये भी मांग की है कि वो तमाम लोग जिन पर आरोप मधु दुबे ने लगाए हैं उन्हें अब कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा जाए। इस लिस्ट में शामिल है संजय सिंह, संदीप सिंह, अनुराधा सिंह और साथ ही सारनाथ पुलिस भी। जी हाँ, इन तमाम जो मैंने अभी नाम बताए हैं उन सभी के खिलाफ नोटिस भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में आकांक्षा दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी जो समर सिंह की जमानत याचिका है उसे भी चुनौती देने के लिए तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, मीटिंग की है और इस दौरान पूरी तैयारी उनकी है और अब इंतजार किया जा रहा है सुनवाई का। सुनवाई की तारीख आखिरकार कब कोर्ट देता है, क्योंकि अभी तक सुनवाई की कोई तारीख नहीं आई है। इंतजार किया जा रहा है समर सिंह की न्यायिक हिरासत का वक्त खत्म होने का। जब न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी तभी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, पेशी होगी समर सिंह की और तब इस पूरे मामले में आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती है और उस बयान के बाद गाज किस पर गिरती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।